हेलो जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक नए व्लॉग में आप सबका वेलकम करती हूँ एक बार फिर से। और दोपहर का टाइम है, दोपहर का खाना बन रहा है, पराठे बना रही हूँ। सब्जी नहीं बनाई मैंने, तो मैंने सोचा कि पराठे बना देते हैं, उसके साथ में खा लेंगे अचार, छाछ, दही, ऐसे। तो ये सिंपल प्लेन जो पराठे होते हैं ना, वो ही बना रही हूँ। और ये आज जो व्लॉग आएगा, ये 2 दिन का मिला जुला व्लॉग आएगा। थोड़ा सा शूट किया था इस दिन, जैसे आप देख रहे हैं, अभी बस दोपहर में खाना बनाया है और सीधे शाम के कपड़े उतार के लेके आई हूँ, जो कि सुबह वॉश किए थे, मतलब दोपहर में ही वॉश किए थे नहाने धोने के टाइम पे। तो यहाँ ये कपड़े मैं डालने लग रही हूँ। और एक यार, मैं, पता है आप लोग बाई टाइटल समझ भी गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। एक कल मेरे पास एक कमेंट आया था, वैसे मेरी काफ़ी अच्छी व्यूअर हैं, मैं उनके साथ में मतलब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, बस ये है मुझे सिर्फ अपनी बात रखनी है कि कल उनका कमेंट आया था कि ये सब व्यूज़ के लिए ड्रामा तो नहीं चरच रहे हो, जैसे कि इतनी जल्दी काम कौन करता है, कैसे काम होता तो नहीं है, आप कैसे काम करने लग गए, तो ये सब ड्रामा हो रहा है, व्यूज़ के लिए हो रहा है, नौटंकी हो रही है, ऐसे इतनी हिम्मत कहाँ से आई। मतलब कई कमेंट थे उनके, कढ़ी खा रहे हो तो देखो, कढ़ी खाते हुए आपने मेरे को कब देखा? मैंने बनाई है, मेरे अलावा मेरे घर में कितने मेंबर हैं, हम सबको पता है, ठीक है। और दूसरी बात कि कुछ भी हो, अपनी खुद की चॉइस का बने ना बने, लेकिन फैमिली की चॉइस का तो हर एक घर में बनता ही है, और जॉइंट फैमिली में तो ज़्यादा। तो कढ़ी का मतलब ये थोड़ी ना है कि मैंने, मुझे ही खानी है इसलिए बनाई है। फिर दूसरी बात कि काम पर लगना, तो मेरे ख्याल से औरत को भगवान ने वो ताकत दे रखी है कि वो चाहे कैसी भी कंडीशन में हो, वो काम कर सकती है, कर लेती है, और जब ज़रूरत पड़ती है तब तो करना ही पड़ता है। यहाँ पर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग, नेक्स्ट डे का व्लॉग शुरू हो चुका है, मैंने किचन क्लीन कर लिया है, अब मुझे पोछा लगाना है। तो देखिए, मैंने अभी, हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि लेडीज जो होती हैं उनको ज़रूरत पड़ने पर हर काम कर सकती हैं, वो करती भी हैं बहुत सारी। यहाँ तो मेरी तो बस एक अबॉर्शन की बात है, लेकिन मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे कि ज़रूरत पड़ने पर बहुत कुछ, तो जैसे डिलीवरी हुई है तो 3 से 4 दिन के बाद में छोटा मोटा कुछ ना कुछ खुद का काम करती ही हैं। और ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि भाई नहीं होता आजकल, पहले जैसे 1-1 महीने सेवा नहीं होती, खुद से करना ही पड़ता है। मेरे दोनों बच्चे सीजर हुए थे, नैनी तो जब हुई थी, जब मैंने 20 दिन का जो हमारे चूड़ा पहनते ना वो पहन लिया था, नहीं, नैनी के टाइम पे 17 दिन का और शिवांश के टाइम पे 20 दिन का। तो शिवांश जब 20 दिन का था, ये रुद्रपुर में हुआ था, उस टाइम पर मैंने 20 दिन के बाद में सारे काम किए थे मेरे, नैनी को तैयार करना, स्कूल भेजना, शिवांश का भी, शिवांश को नहलाना धुलाना, अपने कपड़े वॉश करना, घर का खाना बनाना, टोटल सारे काम मैंने किए थे 20 दिन के बाद। सीजर कितना मेजर ऑपरेशन होता है, मतलब बच्चे सीजर होना कितना बड़ा ऑपरेशन होता है, सारे काम किए थे मैंने। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम काम नहीं कर सकते। और रही बात व्यूज के लिए ड्रामा, तो जिसको लगता है व्यूज़ के लिए ड्रामा, तो चलो ठीक है भाई, मैंने मान लिया, हाँ व्यूज़ के लिए ड्रामा है, ठीक है। मैं इससे ज़्यादा आप लोगों के साथ में बहस नहीं करूँगी बस। तो ये यहाँ पर नेक्स्ट डे का व्लॉग शुरू हो चुका था, मैंने नहाना धोना कर लिया है, अब बस दोपहर का खाना बन रहा है, बच्चों को डाल के दे के आई हूँ अभी, और अभी बना रही हूँ बाकी सबके लिए, हम सब का भी। और गर्मी होने लग गई दोपहर के टाइम पे, वैसे आज के दिन जब ये व्लॉग आ रहा है उस दिन तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था, लेकिन जिस दिन का व्लॉग है ना उस दिन गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। और ये अब तो बहुत अंधड़ चला हुआ है, आंधी चली हुई है बाहर, और नींबू गर्म हो रहा है, ये होता है पेट दर्द के लिए, नींबू में काला नमक भर के, काली मिर्च भर के उसको गर्म किया जाता है। मिर्ची मैंने नहीं भरी क्योंकि शिवांश खाएगा, और मैंने शर्ट पहन लिया, देखो शाम का टाइम हो चुका है, तो अब ये नींबू थोड़ा सा गर्म करके मैं शिवांश को दे दूंगी, और शिवांश देखना कितने चटकारे लेके खाएगा। मतलब गर्म करते हैं वैसे आँच में, लेकिन आज तो चूल्हा तो जला ही नहीं रही, अभी सुबह सुबह ही जलाती हूँ गर्म पानी के लिए, क्योंकि लकड़ियाँ लाने का भी एक एक्स्ट्रा काम होता है, चूल्हा जलाएंगे तो फिर नहीं होता है, इतना मेहनत इतनी नहीं हो पा रही है, बस घर का बच्चों का ही खुद से कर पा रही हूँ, इतना ही करने की हिम्मत है। तो यहाँ पे
चिमटे के ऊपर रखा है मैंने नींबू को, ताकि वो अच्छे से गर्म भी हो जाए और काला भी ना पड़े। चिमटा हालांकि काला पड़ गया था, लेकिन नींबू काला नहीं पड़ा। और आप करके देखना, काला नमक भर के, मिर्ची भर के काली, और ऐसे गर्म करके, फिर ये जूस जो होता है ना, इसका बहुत अच्छा लगता है। अब बताना भाई, किस किस के मुंह में पानी आया? सियाज फिर से बिना। अच्छा लग रहा है ये? क्या कर रहा है दिखा, वैसे थोड़ी नहीं चूसते हैं। शाम के 6 बज गए और आज मैंने फेस कैमरे में 6 बजे बात की है। कल मैंने व्लॉग में कहीं बात ही नहीं की। फेस कैमरा मतलब फेस कैम में आप लोगों से रूबरू होके बात नहीं की, वैसे वॉइस ओवर में की थी। और फेस कैमरे में बात करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और मैंने ना ये शर्ट पहनना शुरू ही कर दिया, अब ऊपर से साड़ी के ऊपर से हाथ फट जाते हैं, यहाँ हवा चलती है ना, बहुत बहुत ज़्यादा हवा चलती है। और यही टाइम होता है जब जाके मतलब हाथ दोबारा से टैनिंग हो जाती है। गर्मियों में तो फिर भी कम होती है, इस टाइम पे धूप में टैनिंग हो जाती है, तो फिर साफ नहीं हो पाते मेरे तो भाई। फिर काम ही कुछ ऐसा है, तो फिर मैं अब ये शर्ट पहन लेती हूँ, क्योंकि ठंड तो है नहीं, और ठंड नहीं है तो फिर गर्मी लगती है स्वेटर में, और शर्ट पहन लेते हैं तो फिर गर्मी भी नहीं लगती और टैनिंग भी नहीं होती। तो मैंने ये शर्ट मैं अर्जुन की लेके आई थी जब मम्मी के पास गई थी ना। वैसे शर्मा जी की भी हैं, लेकिन बस ये है कि उनकी थोड़ी सी लूज रहती हैं, और ये शर्मा जो अर्जुन की जो पुरानी शर्ट है ना, वो फिट आती हैं, लूज नहीं रहती बिल्कुल भी। ठीक है, मैं आई हूँ आप लोगों से फेस कैमरे में थोड़ी देर बात करने के लिए, इधर किधर अपनी राम कुटिया लक्ष्मण कुटिया एक साइड। ठीक है, पता नहीं यार सांस फूलती है, क्यों फूलती है? कहते हैं ब्लड कम होता है तो सांस फूलती है ना, सांस फूलती है। बार बात मतलब मैं आप लोगों से 10 मिनट के जो मेरी 10 से 11 लोग होता है मेरा भाई, इतने मिनट का होता है, उसमें अगर मेरे को 4 मिनट वॉइस ओवर देनी हो ना तो मेरी सांस फूल जाती है, बात नहीं होती है। और अब मैंने कितनी देर बात की है, सांस फूल गई। और पता है ये वाला जो मौसम चलता है ना, अब जैसे सरसों के फूल आ रहे हैं, तो इस मौसम में छोटे 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 ना मच्छर होते हैं, काले काले से, इतने इतने से एकदम छोटे छोटे मच्छर, और येलो कपड़े में बहुत बैठते हैं वो, बहुत ज़्यादा। वही था एक आँख के ऊपर। तो व्लॉग तो शुरू मैंने सुबह किया था, लेकिन मैंने कंटिन्यू दोपहर में नहीं रखा, तो मैं आजकल मूड भी नहीं होता, थकान भी रहती है, कंटिन्यू रखा नहीं, तो मैंने सोचा चलो शाम को बात करेंगे। और अभी मतलब अभी बात करेंगे, मैंने अभी सोचा कि अब बात करेंगे, तो इधर आके आप लोगों से थोड़ी देर बात करके अब अंदर चलते हैं। अब बनाना है खाना, खाने में क्या बनाऊंगी अभी कुछ डिसाइड नहीं है, देखूंगी जाके। सब्जी तो कुछ लाई हुई तो है नहीं, है वो अपने पालक, पालक तो पापा जी का बना ही है, उसमें से ले लेंगे। एक पालक बन गया, पालक और गाजर, एक कढ़ी बन गई मम्मी के लिए, दो चीज़ बनी हुई है। और मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही है, 2 दिन तक बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रही मम्मी को, वोमिट बहुत ज़्यादा थी, एसिड बन गया था, पित्त बोलते हैं ना, पित्त बन गया था, तो उसके कारण हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा। अब कुछ बेटर है, चलते हैं अंदर, यहाँ की लाइट जला दूँ। इधर है इस लाइट का, अब तेरी क्या क्या डाल रखा है यहाँ पे, कहाँ है लाइट का स्विच, ये रही लाइट जला दी। लकड़ियाँ ला रखी है पापी ने, मैं नहीं लेके आई हूँ कई दिन से। मेरा चूल्हा भी बस पानी गर्म करने के टाइम पे जल रहा है, रोटियां भी नहीं बना पा रही मैं, लकड़ी नहीं लाई जाती, मोटी है बस। वो राखी दूध लेके आ रही है माँ को, गाय को दूध लेके आना हो, और बाजरा को आटो पहुंच गई। हैं ये पाव बोझ कौन समेत रहा हूँ, जाना छुटली कौन पकड़ू।
तो जी यहाँ पर मैं शाम की दाल बना रही हूँ। दाल बनेगी आज, दाल और चावल, बस रोटी नहीं बनाई थी। तो चलिए फिर, देखची में मैंने वैसे चावल रख दिए हैं, दाल में तड़का लगाते मेरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड भी करते हैं। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने देख लिया, चावल भी बन गए, दाल भी बन गई, रात का खाना मेरा यही था, मैंने इतना यही बनाया था। ठीक है, फिर मिलती हूँ बहुत जल्द, बाय।